Good morning, students. How are you all? Welcome back to SST class. Myself Sijo, your SST teacher. Today I will teach you lesson number 3, clothes we wear. देखो बच्चे, आपका third lesson, clothes we wear. हम कपड़ा पहनते हैं. अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ा हम पहनते हैं. वाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? वाई डू वियर क्लॉथ्स, वी वियर क्लॉथ्स टू कवर दम सेल्फ एंड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी हीट एंड कोल्ड डस्ट. Clothes protect our body, heat, cold and dust. Why do we need clothes? We need clothes to protect ourselves from heat and cold. बच्चो, लोग खुद को ढकने के लिए कपड़ा पहनते, अपना शरीर प्रोटेक्ट करने के लिए अपन कपड़ा पहनते हैं. और कपड़े हमारे शरीर को गर्मी में से, सर्दी में से और धूल से बचाता है, इसलिए हम कपड़ा पहनते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी हीट कोल्ड एंड डस्ट. सर्दी में से, गर्मी में से और धूल से बचाने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू study different fibers. See, आपको जैसे दो बच्चा है, एक लड़का और एक लड़की. The William has studied in grade 3 and his sister Maria studied in class 7. Okay? आप क्लास थर्ड में पढ़ते हैं ना, जैसे विलियम्स, आपको जैसे क्लास थर्ड में पढ़ते हैं. मेरिया हैज स्टडीड इन ग्रेड 7. ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन दे विजिट देयर अंकल क्लॉथ मिल. ड्यूरिंग द समर वेकेशन दे विजिट देयर अंकल क्लॉथ. गर्मियों की छुट्टियों में उनकी चाचा की कपड़ा मिल में गया. समर वेकेशन में ये दोनों उनका चाचा का क्लॉथ मिल में पहुंचा. इन द क्लॉथ मिल विलियम एंड मेरिया सो हाउ क्लॉथ इज मेड. ये क्लॉथ मिल में विलियम और मेरिया ने देखा कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है. Their uncle have them some useful information about different types of fibers and their sources. उनके चाचा ने उन्हें विभिन्न प्रकार की फाइबर्स और उनके स्रोतों के बारे में ज़्यादा समझाया. They noted down the information and clicked some photographs. उनके उपयोग के बारे में चाचा इनको ज़्यादा समझाया, ज़्यादा जानकारी भी दिया. कुछ फ़ोटो की ये दोनों क्लिक भी किया है. लेट अस चेक द इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाय देम. इन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया उसके बारे में हम आज जांच करेंगे. क्लॉथ आर मेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर. ओके, नेचुरल मीन्स प्राकृति एंड सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल कृत्रिम. ओके, आर्टिफिशियल मीन्स प्राकृति एंड सॉरी नेचुरल मीन्स प्राकृति एंड आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम. ओके, सम एग्जांपल्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जांपल फॉर नेचुरल
फाइबर, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर? कॉटन, कॉटन मीन्स कपास, वूल मीन्स ऊन, सिल्क रेशम आर एग्जाम्पल फॉर नेचुरल फाइबर, नाइलॉन एंड टेरिलिन आर एग्जाम्पल फॉर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर। मतलब एक विशेष प्रकार का कृत्रिम, मतलब सूत है टरिन, ए काइंड ऑफ पॉलिस्टर फैब्रिक्स। ओके, टू क्लॉथ्स आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल, व्हाट आर द नेचुरल्स? एंड कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल फॉर नेचुरल फाइबर, नाइलॉन एंड टेरिलॉन आर एग्जाम्पल फॉर सिंथेटिक, मतलब ये कृत्रिम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कपास के रेश कपास के पौधों से प्राप्त होता है, किसमें से प्राप्त होता है? उसका पौधों से प्राप्त होता है कॉटन फाइबर। वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम देयर हेयर ऑफ शीप एंड रैबिट्स। वूल प्राप्त होती है शीप और खरगोश के बालों से, किसमें से प्राप्त होती है? शीप और रैबिट्स का बालों से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म्स। रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है, यार्न इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पिनिंग रॉ कॉटन वूल और सिल्क फाइबर्स और स्पिनिंग व्हील। दाखा मीन्स यार्न मीन्स दाखा और सूत कातने के लिए, सूत कातने के लिए कच्चे सूत ऊन या रेशम के रेश को कताई के द्वारा बनाया जाता है। दिस यार्न्स आर वोवन टुगेदर टू फॉर्म क्लॉथ बाय इंटरलेसिंग द स्ट्रैंड्स ऑन मशीन नोन एज लूम। इन यार्न को, लूम को नामक मशीन पर किस्में को इंटरलेस करके कपड़ा बनाने के लिए एक साथ बुना जाता है। दिस यार्न आर वोवन टुगेदर टू फॉर्म क्लॉथ बाय इंटरलेसिंग द स्ट्रैंड्स ऑन द मशीन नोन एज लूम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, सी ईयर, यू कैन सी ईयर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न? देर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न फर्स्ट नंबर ए एंड फर्स्ट सेकंड नंबर इज ईयर। दिस इज टू टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी डिफरेंस यू नो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पैटर्न्स। मेरिया एंड हर फैमिली विजिट टू टेक्सटाइल शॉप। मेरिया, मेरिया को पेरेंट्स के साथ कहाँ विजिट गया? विजिट किया शॉप में, एक टेक्सटाइल शॉप में, कपड़ा का दुकान में। दे आर डिफरेंट ड्रेसेस एंड फाइबर्स। दे सी डिफरेंट ड्रेसेस एंड फैब्रिक्स। विलियम क्यूरियसली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द ड्रेसेस एंड फैब्रिक्स। मेरिया पेरेंट्स के साथ एक टेक्सटाइल शॉप में पहुंचा। उन्होंने अलग अलग तरीके से कपड़ा देखा। एक कपड़ा के बारे में शॉप कीपर को ज़्यादा पूछने लगा। क्या क्या पूछे बेटो? बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट प्लांट्स एंड पैटर्न। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट प्रिंट्स एंड पैटर्न्स। अलग अलग इंडिया में अलग अलग कपड़ा, अलग अलग प्रिंट है, अलग अलग पैटर्न्स है बना हुआ। दीज आर क्रिएटेड बाय स्किल क्राफ्ट्समैन। ओके, एक निपुण व्यक्ति है और कुशल और कारीगरों को द्वारा बनाया गया है, क्राफ्ट्समैन। ओके, उन्होंने तुरंत विलियम से पूछा, हाउ डू दे क्रिएट दिस पैटर्न्स। वे पैटर्न कैसे बनाता है? हाउ डू दे क्रिएट दिस पैटर्न्स, ये पैटर्न कैसे बनाता है? शॉपकीपर ने उसको समझाया,
These patterns are created using different techniques like weaving, block printing, embroidery, and the tie and dye. Come, let me show you some patterns. Shopkeeper ने कहा, ये बनाता है different techniques and weaving, block printing and embroidery, अलग अलग patterns से कपड़ा बनाता है. And tie and dye, इसके बारे में आप जांच करेंगे. Come, let me show you some patterns. आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं आपको और दिखा दूँगा. ए शॉपकीपर शोस देम ए चार्ट डिफरेंट पैटर्न. शॉपकीपर ने अलग अलग कपड़े का डिजाइन पैटर्न इसको दिखाया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग, व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग? इट इज अ वन ऑफ द टेक्निक्स एंड प्रिंटिंग टेस्ट इमेजेस like that this printing of fabric by hand using carved wooden or linoleum blocks are distinguished from printing by screens or roller is called block printing. You know, in block printing, wooden blocks with the design carved on the are dipped in color. लकड़ी के ब्लॉकों में उन पर उखेरे गए डिजाइन के साथ रंग में डुबाया जाता है. दिस आर देन प्रेस्ड ऑन क्लॉथ टू क्रिएट इम्प्रिंट्स. व्हेन दिस इम्प्रिंट्स आर रिपीटेड देम दे बिकेम पैटर्न्स. ओके, ये डिजाइन में रंग में डुबाया जाता है, उसके बाद में इन पर छाप बनाने के लिए कपड़ों पर दबाव डाला जाता है. ओके, जब इन छापों के दोहराया जाता है तो पैटर्न बन जाता है. सम स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर फेमस फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग. नेक्स्ट चिकनकारी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिकनकारी. यू नो, चिकनकारी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ स्टेट लाइक लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश. चिकन वर्क बेसिकली, यू नो, वर्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक स्टिचिंग, कटिंग, प्रिंटिंग, वाशिंग एंड फिनिशिंग एंड एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा. This is style of embroidery. Okay, using needles and threads, craftsmen create pattern of fabrics like muslin, silk and cotton. These patterns are mainly floral. एक मुख्य रूप से पुष्प है. यू नो, आपको देख सकते हैं, देखो डिफरेंट. दिस इज स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूजिंग नीड्स. नीड्स इन सुई एंड थ्रेड्स एंड क्राफ्ट्समैन क्रिएट बाय पैटर्न ऑन फैब्रिक्स यूजिंग बाय मुस्लिम ऑन सिल्क और कॉटन. दिस पैटर्न्स इन मेनली फ्लावर, मुख्य रूप से पुष्प के जैसे बनाते. देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर जैसे. Okay, some examples state are Lucknow is the most chikankari is the first famous for the state of Lucknow and Uttar Pradesh. Next one padenge ikat. Cotton or silk fiber are wrapped in bundles and tied with water resistant material. Silk dress material is a handicraft and hand woven. Actually, this handicraft and hand woven. एक शिल्पकार, हस्तशिल्पी, हम कहते हैं शिल्पी. Handicraft and hand woven, हाथ से बुना हुआ चीज़ है. Then they are dipped in color and after drying they are woven into beautiful design with
सिल्क और कॉटन एंड फाइबर को बंडल बंडल में लपेटा जाता है और पानी प्रतिरोध सामग्री के साथ बांधा जाता है, फिर इस रेंगो में डुबाया जाता है, इस रेंगो में से डुबाया जाता है और ये सूखना भी होना ज़रूरी है। सूखने के बाद खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया कपड़ों में बुना जाता है। डिज़ाइन ड्राइंग दे आर वोवन इन टू ब्यूटिफुल डिज़ाइन क्लॉथ्स। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश आर फेमस फॉर इकत। ओके द वन ऑफ द और स्टेट तेलंगाना इज द मोस्ट फेमस इकट प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क साड़ीज। तेलंगाना हैव ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक एंड पैटर्न्स इन इकट स्टाइल ऑफ डाई। दिस स्टेट इज द स्टेट इज नोन एज सिल्क ऑफ इंडिया, सिल्क ऑफ द स्टेट बिकॉज तेलंगाना आंध्र प्रदेश नाउ तेलंगाना। तेलंगाना इज वन ऑफ द सिल्क साड़ी प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सो द सिटी इज नोन एज सिल्क ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ड्रेसेस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टाई एंड डाई। हम कहते हैं बांधनी, रंग और रंग का द्रव्य। ओके टाई और डाई ए कपड़ा। इन द टाई और डाई ए लाइट कलर पीस ऑफ क्लॉथ टाइड विथ थ्रेड सेवरल पॉइंट एंड डिप्ड इन कलर और डाइस। टाई और डाई एक कपड़े का एक हल्के रंग का टुकड़ा। ए पीस ऑफ क्लॉथ इज टाइड विथ थ्रेड एट सेवरल पॉइंट्स एंड डीप्ड इन कलर और डाइस। एक टुकड़ा कपड़ा कई बिंदुओं पर धागे से बांधा होता है। इसके बाद रंग के रंगों में डुबाया होता है। इसके भी सूखना होना जरूरी है। सूखने के बाद दाग है हटा हुआ जाता है। द कलरफुल एंड आफ्टर इट ड्राइज द थ्रेड्स आर रिमूव्ड। हम रिमूव मतलब क्या है, हटाता है। आफ्टर इट ड्राइज द थ्रेड्स आर रिमूव्ड एंड कलरफुल पैटर्न आर क्रिएटेड बाई ऑन क्लॉथ। ओके सूखने के बाद धागे हटा दिया जाता है और कपड़ों पर रंगीन पैटर्न बनाया जाता है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाई जाती है। एंड सम स्टेट्स आर राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर टाई एंड डाई। इट इज़ अ वन ऑफ द प्रैक्टिस स्टेट ऑफ मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस मेनली स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो। द बंधानी मतलब बांधनी। बांधनी इज डेरिवेटिव फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड कम्स फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। बांधा संस्कृत में आया है बांधा एंड आफ्टर दैट बंधानी बंधा विच मीन्स टाई। नेक्स्ट हम जाएंगे कलमकारी। इन कलमकारी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन यूज कलम पेन फॉर फ्री हैंड ड्राइंग एंड पेंट एंड ब्रश टू फिल इन कलर्स एंड मेक पैटर्न्स ऑन क्लॉथ्स। कलमकारी में कुशल और कारीगर रंगों को भरने और कपड़े पर पेंट बनाने के लिए मुक्त हाथ मतलब फ्री हैंड। आपको देख सकता है द पेन फॉर फ्री हैंड ड्राइंग एंड पेंट ब्रश टू फिल इन द कलर्स। फ्री हैंड्स मतलब मुक्त हाथ ड्राइंग एंड पेंट ब्रश के लिए कलम का उपयोग करता है। कलम इज ए एक्चुअली इज अ पेन स्टॉकिंग आर्ट ऑफ परफेक्शन। लिटरली मीन्स दैट पेन वर्कड, पेन से वर्क किया है कलमकारी। एक्चुअली आप देख सकते हैं कलम मीन्स पेन। इट इज़ लाइक अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड फॉर ब्लॉक प्रिंटेड एंड टेक्सचर्स इन कॉटन्स। इट इज़ प्रिंटेड बाई ओनली बाई हैंड। नेक्स्ट हम जाएंगे डाइस। विलियम्स इज़ ए वेरी happy talking to the shopkeeper. He is now crew
curious about the different colors of clothes, so he asked few more questions. विलियम्स को शॉपकीपर ज़्यादा विलियम्स को समझाया, फिर उसको और ज़्यादा ज़्यादा पूछने लगा विलियम्स. ए पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इज यूजुअली वाइट इन कलर, एक सफ़ेद वाला कॉटन क्लॉथ. देन हाउ डू वी गेट डिफरेंट कलर कॉटन क्लॉथ्स, एक सफ़ेद वाला कपड़ा में अलग अलग कलर कैसे बन जाती है. Different types of fabrics are dipped in dyes to make them color. Dipped means डूबा जाता है, एक कपड़े में अलग अलग फैब्रिक्स डूबा जाएगा तो ओके है तुरंत अलग अलग कलर बन जाता है. How are different color dyes made? अलग अलग रंग की डाई कैसे बनाई जाती है? तुरंत इन्होंने शॉपकीपर को पूछा है, How are different color dyes made? अलग अलग रंग की डाई कैसे बनाई जाती है? यू नो रेड ब्लू येल्लो आर द प्राइमरी कलर. व्हाट आर द प्राइमरी कलर? रेड ब्लू एंड येल्लो आर द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन डाइस, रंग में अलग अलग कलर. When these colors are mixed together, जब इन रंगों को एक साथ मिलाया जाता है, they form other colors, तो वे अन्य रंग बना जाता है. Okay? When these colors are mixed together, they form other colors. जब इन रंगों को एक साथ मिलाया जाता है तो वे अन्य रंग बनाता है. Next हम पढ़ेंगे शॉपकीपर ने और ज़्यादा उनको समझाया इसके बारे में. डाइस आर टू टाइप्स, रंग टू टाइप्स है, नेचुरल एंड इस पर भी क्लॉथ मैंने पहले समझाया, क्लॉथ भी दो टाइप है. अब डाइस आर भी टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, मतलब कृत्रिम है और प्राकृति है. नेक्स्ट, सिंथेटिक डाइस आर मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट केमिकल्स. केमिकल मतलब अलग अलग रसायनों मिलाकर बनाया जाता है. ओके, सिंथेटिक डाइस आर मेड फॉर मिक्स, अलग अलग रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है केमिकल्स. ओके, हाउ आर नेचुरल डाइस मेड, तुरंत विलियम ने पूछा है, हाउ आर नेचुरल डाइस मेड, नेचुरल रंग कैसे बनाए जाते हैं? नेचुरल डाइस फ्रॉम प्लांट्स आर वेरी इजी टू मेक, तुरंत इन्होंने कहा यह बहुत आसान है. दिस इज़ ईजी टू मेक फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ नेचुरल डाइस, ये बहुत आसान है पौधों से डाई बनाने में. ओके, क्या कहते, देखो ओनियन स्किन्स आर यूज टू मेक पिंकिश ब्राउन कलर, पिंकिश गुलाबी कलर बनाने के लिए अपन ओनियन का स्किन, प्याज की खाल का उपयोग करता है. नेक्स्ट, वॉलनट शेल्स आर यूज टू मेक ब्राउन कलर, ब्राउन कलर मतलब भूरा रंग बनाने के लिए अखरोट का गोल का उपयोग करता है. बीटरूट्स आर यूज टू मेक पर्पल कलर, मतलब पर्पल कलर बनाने के लिए अपन बीटरूट का उपयोग करता है, चुकंदर का उपयोग करता है, और चुकंदर का उपयोग बैंगने कलर बनाने के लिए वो उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट स्किन्स आर यूज टू मेक येल्लो कलर, यू नो पोमग्रेनेट मीन्स हम कहते हैं अनार, और हिंदी में हम कहते हैं अनार का उपयोग क्या है, एक पोमग्रेनेट स्किन्स आर यूज टू मेक येल्लो कलर बनाने के लिए अपन पोमग्रेनेट का स्किन इस्तेमाल करता है. नेक्स्ट अपन करते हैं द रूट्स ऑफ टर्मरिक प्लांट्स, द रूट्स ऑफ टर्मरिक प्लांट्स आर यूज टू मेक डीप येल्लो कलर बनाने के लिए हल्दी का पौधों को जड़ों को उपयोग किया जाता है. किसका? हल्दी का जड़ों को उपयोग किया जाता है.
डियर स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू.